नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपके तारे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आपकी राशियों के हिसाब से आपके दिन को समझने की कोशिश तो करेंगे ही, ये भी जानेंगे कि अलग अलग राशि वालों के लिए आज की खास सलाहें क्या हैं। लेकिन आज बात करेंगे सपनों की भी। ये समझेंगे कि जो सपने हम देखते हैं उनका ज्योतिष के लिहाज से और इंट्यूशन के लिहाज से, अंतर्ज्ञान के लिहाज से मामला क्या होता है, क्या सपनों का कोई सच होता है या सपने केवल कपोल कल्पना होते हैं। तो बात होगी सपनों की, लेकिन सबसे पहले बात होगी मेष, वृष और मिथुन राशि के राशिफल की। मेष राशि, मान सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, मन आपका बहुत अच्छा है और जो कारोबार करते हैं, व्यापार करते हैं ना, उसमें लाभ के योग भी बन पा रहे हैं। प्रियजनों से आपकी भेंट होगी, प्रियजनों के साथ आपके रिलेशनशिप भी बेहतर होते हुए दिखाई देते हैं। आज की सलाह ये है कि जीवन को प्लान करके चलिए, बहुत ज़्यादा दौड़ भाग करने से कुछ खास हासिल होने वाला नहीं है। वृष राशि, संतान को लेके, उसके स्वभाव को लेके, उसके करियर को लेके मन में थोड़ी चिंताएं दिखाई दे रही हैं और इसके अलावा आपको खुद के वर्किंग फील्ड में, खुद के करियर में आज काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। लेकिन शाम तक कोई शुभ सूचना मिलेगी और ये सूचना आपके परिवारजनों से जुड़ी हुई है। आज की सलाह ये है कि खाली पेट बिल्कुल ना रहें, सेहत बिगड़ सकती है, और हल्की सुगंध का प्रयोग करें ताकि दिन आपका बेहतर हो जाए। मिथुन राशि, सेहत बहुत मजबूत नहीं दिखाई देती, सेहत कमजोर दिखती है और आपके परिवार में जिम्मेदारियां भी लगातार बढ़ रही हैं। नौकरी में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, सुधार हो रहा है, इसलिए जीवन में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज की सलाह यह है कि खुश रहने का प्रयास करिए और बेवजह वहम मत पालिए। घर से निकलते समय जरा सा पान का पत्ता खा के निकलिएगा, सफलता आपको मिलती जाएगी। अब ये समझते हैं कि सपने क्यों आते हैं और किन स्थितियों में आते हैं। सपने मन की एक विशेष अवस्था है ना, जिसमें वास्तविकता का आभास होता है। न तो ये वास्तविक हैं, न ही काल्पनिक हैं, एक आभासी मामला होता है। स्वप्न के बारे में बता दूं, न तो आप सोते हुए सपने देखते हैं, न तो आप जगते हुए स्वप्न देखते हैं, ये दोनों के बीच की अवस्था होती है जब आपको सपने आते हैं। इसको तुरीया अवस्था कहते हैं। सपनों के आने के पीछे बड़ी सारी चीज़ें और भी जिम्मेदार होती हैं। एक तो आपका खान पान होता है, दूसरे आपकी बीमारियां होती हैं, इसकी भी बड़ी भूमिका होती है, और आपके ग्रह और राशियों की भी बड़ी भूमिका होती है आपके सपने आने के पीछे। लेकिन हर सपने का कोई अर्थ नहीं होता। 100 में से 90% सपने निरर्थक होते हैं, केवल 10% सपने ही सही होते हैं। कौन से सपने सही होते हैं और कौन से सपने केवल कल्पना है, केवल निरर्थक है, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, मन की तमाम समस्याएं हल होंगी, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, संपत्ति खरीद सकते हैं और आर्थिक मजबूती आती हुई भी दिखाई देगी। आज की सलाह ये है कि धन के इन्वेस्टमेंट में सावधानी रखनी चाहिए और कहीं घूमने फिरने चले जाइए ताकि मन अच्छा हो, समय अच्छा हो, जरा मन इम्प्रूव कर पाए। सिंह राशि, कहीं छोटी यात्रा पर जाने वाले हैं ये संभावना दिखाई दे रही है, करियर में सुधार हो रहा है और संतान पक्ष से लाभ के योग भी बने हुए हैं। आज की सलाह ये है कि अनावश्यक तनाव मत पालिए और लाल रंग का खूब प्रयोग करिए। लाल रंग का प्रयोग करने से एनर्जी बनी रहेगी, शक्ति का अनुभव करते रहेंगे। कन्या राशि, वाद विवाद के संकेत दिखाई दे रहे हैं, बेवजह वाद विवाद के चक्कर में पड़ सकते हैं और इस चक्कर में पैसे का नुकसान भी हो सकता है। लेकिन मुश्किलें अगर कोई आती हैं तो कोई ना कोई मित्र आपकी सहायता करेगा, आपको सलाह देगा, आप मुश्किल से बाहर निकल आएंगे। सलाह यह है कि दूसरे की भावनाओं का मजाक मत उड़ाइए। आपकी भावनाएं भावनाएं हैं और दूसरों की भावनाएं भावनाएं नहीं हैं, ऐसा मत समझिए। घर से निकलते समय भगवान का स्मरण कर लीजिएगा ताकि दिन आपका बेहतर हो। अलग अलग सपनों के अलग अलग मायने क्या होते हैं और सपनों को कब बड़ा प्रभावशाली समझा जाता है, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल देंगे आपके सवाल का जवाब। हमें सवाल लिखा है अनिमेश जी ने, ये लिखते हैं कोटा राजस्थान से। जन्म की तारीख है 14 मई 1990, जन्म का समय है 4:25 शाम को, जन्म का स्थान कोटा। ये लिख रहे हैं कि नौकरियां कई छोड़ चुके हैं,
MBA में नाम लिखा लिया है, आगे व्यवसाय करना चाहते हैं, भविष्य के बारे में क्या करना चाहिए, व्यवसाय या नौकरी, इस बारे में जानना चाहते हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि भविष्य कैसा होगा। अनिमेश कुंडली बनती है कन्या लग्न की, राशि आपकी बनती है धनु राशि। फिलहाल आपकी महादशा चल रही है मंगल की और अंतरदशा चल रही है राहु की। इस कुंडली में दो बातें निश्चित हैं, एक तो शनि बड़ा प्रोमिनेंट है ना, शनि काफ़ी मजबूत है और सूर्य भी अच्छा दिखाई दे रहा है। ऐसी अवस्था में ज्योतिष कहता है कि नौकरी करना ज़्यादा बेहतर होगा और अभी जो दशाएं हैं आपकी इसके लिहाज से भी नौकरी करना ही अच्छा होगा। हम आपको अभी तुरंत कारोबार की सलाह नहीं देंगे, कम से कम 2020 तक, 2020 तक अगर आप नौकरी ही करें, मार्केटिंग के क्षेत्र में करें, सेल्स के क्षेत्र में करें, मैनेजमेंट के क्षेत्र में करें, तो उसके परिणाम बड़े सुंदर होंगे और नौकरी में आपको सफलता मिल पाएगी। जीवन में संघर्ष को कम करने के लिए, करियर को अच्छा करने के लिए और बार बार के उतार चढ़ाव से बचने के लिए दो उपाय करेंगे आप। एक तो एक पन्ना बनवा के पहन लें, 5-6 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पहनना लाभकारी होगा। और दूसरा काम, सुबह और शाम दोनों समय शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करना लाभकारी रहेगा। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है। तुला राशि, रिश्तों की तमाम मुश्किलें आपके हल होंगी, गलतफहमियां दूर होने वाली हैं, प्रियजनों से मुलाकात भी हो रही है और धन का लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, यानी चीजें एक एक करके रास्ते पे जरूर आ रही हैं। आज की सलाह ये है कि अहंकार मत करिए, हर समय एक समान नहीं होता, इस बात को याद रखिए और किसी विद्यार्थी की सहायता करें, किसी शिक्षार्थी की सहायता करें तो दिन आपका बहुत अच्छा होगा। वृश्चिक राशि, जीवन के तमाम वाद विवाद आपके हल होते हुए दिखाई दे रहे हैं और करियर में बड़ी सफलता के संकेत भी बन रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारियां, बड़ी सफलता आप स्वीकार करेंगे और सफल होंगे भी, लेकिन गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें, गुप्त शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं, इसका ध्यान रखना होगा। आज की सलाह यह है कि ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए और दिन भर सफलता मिलती रहे, इसके लिए आज घर से गुड़ खा के निकलिए। धनुराशि, आपके प्रेम संबंध बहुत मधुर होने वाले हैं और जो समस्याएं जीवन में आ रही थी ना, वो हल होने वाली हैं। आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय आप लेने वाले हैं और ये निर्णय आपके करियर से जुड़ा हुआ है। आज की सलाह ये है कि समय का सदुपयोग करें और किसी बड़े परिवर्तन के लिए तैयार रहें, क्योंकि ये परिवर्तन आपके लिए जरूरी भी है और लाभकारी भी है। तो आपको हमने बताया कि सपने ज्यादातर मन का वहम है या मन का ही प्रोजेक्शन है, जो मन में सोचा वो सपने में आ गया, लेकिन बड़े सारे सपने इंपॉर्टेंट भी होते हैं और सपनों का पूरा मामला क्या होता है, सपनों का अर्थ क्या होता है, आइए आपको समझाते हैं। जिन सपनों में आप आकाश को देखते हैं, हवा को देखते हैं, इसका मतलब ये होता है ना कि आपका वात बिगड़ा हुआ है, जो शरीर में वायु की मात्रा है वो बिगड़ी हुई है और आपको गैस की या पेट की प्रॉब्लम है। अगर आप पानी का सपना देख रहे हैं, झरने का, नदी का, जल संबंधी सपना देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कफ गड़बड़ है आपका। अगर आग का सपना, सूर्य का सपना, ज्वालामुखी का सपना देख रहे हैं, तो इसका मतलब आपका पित्त गड़बड़ है। कमल का फूल देखना, हाथी देखना, बंदर, हंस, गाय का सपना देखना बड़ा शुभ होता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि या तो आपको धन संपत्ति मिलने वाली है या आपको संतान का फायदा होने वाला है। अगर सपने में किसी व्यक्ति की मृत्यु दिखाई दे तो समझना चाहिए कि उस व्यक्ति पर आया हुआ संकट टल गया है और उसकी आयु बढ़ गई है। अगर सपने में पहले मरे हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, पूर्वज दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि या तो उनकी इच्छाएं अतृप्त हैं या वो आपको किसी घटने वाली घटना के बारे में बता रहे हैं। अगर स्वप्न में किसी व्यक्ति के साथ दुर्घटना दिखाई दे, अपने साथ दुर्घटना दिखाई दे, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके साथ कोई दुर्घटना घट सकती है। अगर सपने में कोई उत्सव देख रहे हैं, कोई पार्टी देख रहे हैं, तो समझिए भैया आप बीमार पड़ने वाले हैं, ध्यान रखिए। और स्वप्न में अगर अपने आप को या किसी और को पूजा पाठ करते हुए देख रहे हैं, तो समझिए कि आपको कोई बड़ा लाभ होने वाला है, खास तौर से नौकरी से संबंधित। अगर सपने में धन देख रहे हैं, जेवर, गहने, रुपए, पैसे देख रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप बीमार पड़ सकते हैं, बीमारी का बहुत ध्यान रखेंगे। अब ये जान लेते हैं कि आज के लिए मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा जाने वाला है। मकर राशि, सेहत का बहुत ध्यान रखना है और सेहत के चक्कर में क्रोध भी आपका बढ़ सकता है।
धन का खर्च कहीं ना कहीं आपको परेशान करता हुआ भी दिख रहा है। आज की सलाह ये है कि चीजों को शांति से सुलझाने की कोशिश करें और घर से घी खा के निकलें ताकि दिन आपका बेहतर हो सके। कुंभ राशि, करियर में आपके यकीनन बेहतरी होगी, धन उपहार का लाभ मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा चिड़चिड़ापन भी आपका बढ़ रहा है, इसका ध्यान रखिए। आज की सलाह ये है कि थोड़ा सा समय ध्यान में पूजा उपासना में दें तो बड़ा अच्छा होगा, और गुलाबी रंग का प्रयोग करेंगे तो दिन सुंदर हो जाएगा। मीन राशि, काफी दौड़ भाग करनी पड़ेगी और धन का नुकसान हो सकता है, इसका बहुत ध्यान रखेंगे। सहयोगियों के साथ तनाव भी हो सकता है, लापरवाही ना करें। आज की सलाह यह है कि मन बहुत शांत नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण काम टाल देंगे और चंदन की सुगंध का प्रयोग करेंगे तो दिन आपका महकता रहेगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं आपके तारे। ब्रेक पर जाने के पहले हमने बात की अलग अलग राशि के लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाएगा और ये भी समझा कि सपनों का रहस्य क्या होता है। अब हम बात करेंगे उनकी जिनका आज जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दूं कि आने वाले वर्ष में विवाह और संतान की समस्याएं दूर होंगी। अगर आप विवाहित हैं तो विवाह हो जाएगा, और अगर वैवाहिक जीवन में कोई मुश्किल है ना तो वो दूर हो जाएगी। आपके करियर की तमाम रुकावटें हटेंगी, आपको सफलता मिलेगी, और साथ ही साथ स्थान परिवर्तन की प्रबल संभावना बनेगी और स्थान परिवर्तन लाभकारी होगा। लेकिन इस वर्ष में अपने माता पिता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखेंगे। इस वर्ष की सलाह ये है कि पूरे वर्ष विद्यार्थियों की सहायता करें, उनके पढ़ने में, उनके कॉपी किताब के लिए, उनके विद्यालय जाने में ना उनकी सहायता करेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। और एक सोने या पीतल का छल्ला तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में इस साल पहने रखिएगा। आपकी शक्ति बढ़ेगी, आपका मान सम्मान भी बढ़ता जाएगा। आज के लिए आपके तारे में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे आपके दिन भर के राशियों के हाल के साथ और आपके बहुत सारे सवाल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। नमस्कार।